हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टेक टिप्स तक। मैं पंकज शर्मा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर हमारा वोटर आईडी कार्ड अगर गुम हो जाता है या कहीं पे जो है कि चोरी हो जाता है तो हम उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को और जो एक मेरा सेकेंड चैनल पंकज शर्मा 2M को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो मैं अपना सेकेंड चैनल पंकज शर्मा 2M का जो है कि लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जा करके आप मेरे चैनल को जो है कि सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चलिए आगे ये प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि अगर आपका वोटर आईडी कार्ड गुम हो जाता है कहीं पे तो आपको क्या करना है कि अपने फ़ोन में सिंपल से प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपको इसमें टाइप करना है वोटर हेल्पलाइन, टाइप करके सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस देखने को मिल जाता है। इस ऐप का डाउनलोडर्स आप देख सकते हैं कि 10 मिलियन से ज़्यादा हैं। तो यहाँ से जो है कि आप समझ सकते हैं कि इस ऐप का जो है कि यूजर जो है कि बहुत ही अच्छे हैं और इसमें जो है कि आपको जो है कि बहुत सारे फीचर्स जो है कि वोटर आईडी कार्ड आपको देखने को मिलने वाला है इस ऐप में। तो इसको ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ से आपको क्लिक करके यहाँ से नेक्स्ट कर लेना है। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप जो है कि अपना एक आईडी रजिस्टर्ड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ से स्किप लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से स्किप लॉगिन पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस देखने को मिल जाता है। मैं आपको बता दूं कि वोटर आईडी कार्ड से रिलेटेड जो है कि पूरी जानकारी जो है कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे कि वोटर आईडी कार्ड से रिलेटेड कोई फॉर्म को अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे जो है कि देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर हमारा वोटर आईडी कार्ड गुम हो जाता है तो उसे हम कैसे मंगा सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है कि आपको यहाँ पे 3 डॉट जो है कि एक्सप्लोरर पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस देखने को मिल जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे जो है कि आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको वोटर आईडी कार्ड से रिलेटेड पूरी जानकारी यानी कि पूरी फीचर्स जो है कि आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। जो है कि आपका जो है कि वोटर आईडी कार्ड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप जो है कि यहाँ से उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि अगर हमारा जो है कि वोटर आईडी कार्ड गुम हो जाता है तो उसे हम जो है कि कैसे मंगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल ऑफ रिप्लेसमेंट और यहाँ पे जो है कि आपको इसको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको यहां से इसको कंटिन्यू कर लेना है। कंटिन्यू करने के बाद जो है कि आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको 6 स्टेप जो है कि करना होगा, यानी कि 6 स्टेप में जो है कि आपका यहाँ पे जो है कि वोटर आईडी कार्ड आ सकता है, अगर 6 स्टेप जो को जो है कि आप पूरा करते हैं तो। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आपका वोटर आईडी कार्ड जो है कि पोस्ट ऑफिस के द्वारा भी आ सकता है, आपको वहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है कि मैं कुछ ही स्टेप आपको बताऊँगा और आगे की प्रोसेस जो है कि आप खुद से पूरा कर सकते हैं, क्योंकि जो है कि मेरे पास अभी ऐसा कोई वोटर आईडी कार्ड नहीं है जिसको जो है कि मैं पोस्ट ऑफिस के द्वारा मंगाऊं। तो यहाँ पे मैं आपको सिंपल से प्रोसेस को जो है कि कैसे स्टार्ट करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से क्या करना है कि सिंपल से आपको अपना जो है कि स्टेट को यहाँ से चुन लेना है। जैसे कि मैं अपना यहाँ से स्टेट जो है कि चुन लेता हूँ। उसके बाद जो है कि आपको यहाँ से जो है कि अपना डिस्ट्रिक्ट को जो है कि चुन लेना है। तो मैं यहाँ से जो है कि कोई एक डिस्ट्रिक्ट को जो है कि चुन लेता हूँ। उसके बाद जो है कि यहाँ से आपको क्या करना है कि अपना जो है कि ब्लॉक को चुन लेना है। तो यहाँ से जो है कि मैं फिर से यहाँ पे जो है कि किसी ब्लॉक को चुन लेता हूँ। उसके बाद जो है कि आपको यहाँ से नेक्स्ट कर लेना है। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है कि फर्स्ट स्टेप जो है कि कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे हम सेकंड स्टेप में हैं। तो यहाँ पे क्या करना है कि आपको जो है कि अपना नाम को एंटर कर लेना है, वही नाम को एंटर करना है जो नाम जो है कि आपके वोटर आईडी कार्ड में था। उसके बाद जो है कि ऑटोमेटिक यहाँ पे हिंदी हो जाएगा। उसके बाद जो है कि यहाँ पे मैं बता दूँ कि यहाँ पे आपको सर नेम यानी कि लास्ट नेम जो होता है उसको आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद फिर से यहाँ पे सर नेम जो है कि ऑटोमेटिक हिंदी में हो जाएगा। उसके बाद आपको जो है कि यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ को एंटर कर लेना है। उसके बाद अगर आप ईमेल आईडी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं और मोबाइल नंबर भी देना चाहते हैं तो यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद आपको जो है कि यहाँ पे ईपिक नंबर देना होता है जो कि आपके वोटर आईडी कार्ड में होता है। आप वोटर आईडी कार्ड के शुरू में या लास्ट में देखेंगे तो वहाँ पर आपको ईपिक नंबर देखने को मिल जाएगा। वहाँ से जो है कि आप यहाँ पर ईपिक नंबर को डाल सकते हैं। डालने के बाद यहाँ पे आप अपना जेंडर को सिलेक्ट कर लेंगे। जेंडर को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ क्लिक करके नेक्स्ट कर लेना है। इतना सब करने के बाद आपके सामने स्टेप 3 आएगा। स्टेप 3 में जो है कि आपको जो है कि अपना एड्रेस को फिलअप करना होगा। उसके बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कि जो है कि आप अपने वोटर आईडी कार्ड को जो है कि कैसे मंगाना चाहते हैं, पोस्ट ऑफिस के द्वारा या जो है कि अन्य किसी प्रोसेस के द्वारा। तो ऐसे करके जो है कि आपको यहाँ पर स्टेप 6 तक
पूरा कर लेना है कंप्लीट, जो है कि आपको कंप्लीट करने के बाद जो है कि आपका वोटर आईडी कार्ड जैसे भी आप मंगाना चाहते हैं वहाँ पे जो भी सेलेक्ट किए होंगे उसके द्वारा जो है कि आपका वोटर आईडी कार्ड आ जाएगा। यहाँ पे मैं बता दूँ कि यहाँ पे आपको जो है कि अपने फैमिली मेम्बर में किसी न किसी एक का जो कि वोटर आईडी कार्ड यानी कि ईपिक नंबर को आपको इसमें देना होगा, उसके बाद ही जो है कि आपका वोटर आईडी कार्ड आ सकता है। तो अगर आपका वोटर आईडी कार्ड कभी गुम होता है या गुम हो गया है तो आप जो है कि इस प्रोसेस को क्लियरली जो है कि पूरा करके आप आसानी से अपने वोटर आईडी कार्ड को मंगा सकते हैं। बस यही एक छोटी सी जानकारी आपके साथ शेयर करना था। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एक प्रोसेस बताया, अगर उस प्रोसेस को जो है कि आप कंप्लीट करते हैं तो आप आसानी से जो है कि अपने वोटर आईडी कार्ड को जो है कि आप जो है कि अपने घर पर पोस्ट ऑफिस के द्वारा मंगा सकते हैं। हालांकि मैंने आपको यहाँ पे पूरी प्रोसेस को जो है कि कंप्लीट करके नहीं दिखाया, इसका रीजन यह है कि मेरे पास अभी जो है कि कोई ऐसा वोटर आईडी कार्ड नहीं है जो कि चोरी या गुम हुआ हो। तो दोस्तों यहाँ पे जो है कि आप जैसे जैसे मैंने आपको प्रोसेस बताया उस प्रोसेस को अगर जो है कि लास्ट तक आप कंप्लीट करते हैं तो आप आसानी से अपना वोटर आईडी कार्ड को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आपसे एक बार और निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को और जो है कि मेरे सेकेंड चैनल पंकज शर्मा 2M को जो कि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मैं अपने सेकेंड चैनल का जो है कि लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर के आप जो है कि मेरे सेकेंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहां पे आपको जो है कि यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलता रहेगा। बस एक छोटी सी जानकारी आपके साथ शेयर करना था। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दिए गए जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। जय हिंद।